सच सच बताइए, क्या चल रहा है जगन मोहिनी के साथ? कुछ भी तो नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो फिर उसने आपको ये उपहार क्यों दिया? ये उपहार तो उनके राज्य की प्रथा है और इसी प्रथा के चलते हमें उन्हें पंडित रामकृष्ण देना पड़ रहा है। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि जगन मोहिनी ने आपको ये पुष्प क्यों दिया? हमें क्या पता, उन्होंने कहा उनकी भावना है। तो उन्होंने आपके हाथ में पट्टी क्यों बांधी थी? तो उनकी भावना में अर्थात उनके फूल में कांटा था, वो चुभ गया था, इसलिए पट्टी बांधी। अभी तो मात्र आपने भावना ग्रहण की, तो आपको कांटा चुभ गया। यदि आपने जगन मोहिनी को स्वीकार किया तो क्या होगा? परंतु हम ऐसा करेंगे क्यों? आप दोनों तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे उन्होंने हमारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो आप चाहते हैं कि वो आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रखे? आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं? ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, हमें जगन मोहिनी में कोई रुचि नहीं है। हम तो इस बात को लेकर चिंतित हो रहे थे कि पंडित रामकृष्ण वो उड़ीसा नरेश के साथ वहाँ उड़ीसा चले ना जाए। पंडित रामकृष्ण के विषय में सोचकर आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। आशा करते हैं। तो कुछ सोचना होगा अन्यथा गुरुवर तुझे हिमालय पहुँचा कर ही शांत होने रामा, कुछ सोच सोच कुछ। क्या स्वयं को उठा लो, शेष भीतर चलकर सोच लेना। हाँ चल। क्यों, चुगलखोरी से समय मिल गया? नहीं आऊंगा भीतर। देखिए हमारे स्वामी को ऐसे क्रोधित होना शोभा नहीं देता। अच्छा हमारे प्रेम के लिए ना सही, परंतु हमारी विनती का तो मान रख लीजिए। ठीक है, अब तुम इतने प्रेम से विनती कर ही रही हो तो चलो। पेट भर के भोजन कर लो, पता नहीं कल से क्या होगा, कल से गृहस्थी जो छोड़नी पड़ेगी ना। तो पछताई क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, इसे पहले विचार करना चाहिए था ना। वैसे महारानियों की गृहस्थी भी संकट में है। शारदा महोदया मेरे विषय में रहो। तू शांति से भोजन ग्रहण कर, पता नहीं उड़ीसा में भोजन और विश्राम करने को मिलेगा या नहीं। क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा? जैसे यहाँ तथाचार्य है वैसे ही वहाँ मामा महामंत्री जो है। हाँ। सही कहा अम्मा, सही कहा। जैसे गुरुवर मुझे यहाँ नहीं रहने देना चाहते, वैसे ही मामा महामंत्री मुझे वहां नहीं आने देना चाहते। अभी तो जब महाराज गजपति ने मुझे उपहार में मांगा तब वो विरोध का प्रयास भी कर रहे थे। लगता है अब मुझे वही बचाएंगे। हम पंडित रामकृष्ण को कदापि उड़ीसा नहीं आने देंगे। कष्ट के साथ साथ पंडित रामकृष्ण से भी छुटकारा मिल जाएगा, सदा सदा के लिए। सदा सदा के लिए महाराज कृष्णदेव राय आपके ही होंगे पुत्री, चिंता मत कर, हम कल ही आपके विवाह की बात करेंगे। हर हाल में, हर हाल में हमें जगन मोहिनी को अपने महाराज से दूर रखना होगा। अब बस कल की ही तो बात है। आशा करते हैं कि पंडित रामकृष्ण कल तक कोई हल अवश्य निकाल देंगे। हमें भी उनकी रक्षा हेतु कोई ना कोई उपाय निकालना होगा, शीघ्र अतिशीघ्र। कल देखना मैं कैसे मामा महामंत्री को गुरुवर के विरुद्ध उपयोग करता हूं। मुख मुझे देखकर लाल पीला हुआ है या किससे पिटकर आए हैं आप? पिटकर? हम कहीं से पिटकर नहीं आए, तो हमने कल व्यायाम थोड़ा अधिक कर लिया था, कदाचित इसी कारणवश। मामा महामंत्री, व्यायाम करने से तो हाथ पैर फूलते हैं,
आपका मुख क्यों लाल टमाटर की भांति फूल गया? हम बोलेंगे। मुझे लगता है अवश्य आपकी पिटाई हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है आपके समक्ष आकर आप पर आक्रमण करने का साहस किसी में नहीं है। अवश्य ही किसी ने पीठ पीछे आप पर आक्रमण किया होगा। सत्य कहा है ना, किसी ने पीठ पीछे ही आक्रमण किया है। ओहो, एक बार नहीं दो दो बार किया है। दो दो बार, परंतु किसने? वही तो पता नहीं चला, किसी ने गर्मी में गर्म कंबल डालकर गर्मा गर्म सिकाई की है हमारी। ओहो, परंतु कंबल हटाने के पश्चात आसपास कोई दिखाई तो दिया होगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ थोड़ी दूर वो धनी मनी और तथाचार्य तपस्या कर रहे थे। दोनों बार? हाँ। अर्थात ये उनकी तपस्या नहीं है किंतु वेश के कारण हुआ है। हाँ, हम उस चुड़ैल को छोड़ेंगे नहीं। रुकिए 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 मामा महामंत्री, ऐसे नहीं। गुरुवर बड़े चतुर हैं, वो कोई ना कोई युक्ति निकालकर बच निकलेंगे। आपको एक योजना बनानी होगी, क्योंकि आप यहाँ उनका कुछ अनर्थ नहीं कर पाएंगे। हम उस तथाचार्य का मुंह वानर की तरह लाल करना चाहते हैं, जैसे उसने हमारा कर दिया है। बताइए ना, बताइए हम कहाँ कर पाएंगे? उड़ीसा में। आप उन्हें अपने साथ उड़ीसा ले जाइए, क्या कहते हैं? उन्हें उड़ीसा ले जाने के लिए तैयार हैं आप? पूर्ण रूपेण। पक्का? तो मेरे स्वागत के लिए तैयार हैं आप? निसंदेह, पूर्णतया। ये क्या गुरुवर, कहीं दोनों में मित्रता तो नहीं हो गई? उड़ीसा में आपका ऐसा स्वागत होगा कि आप भी सोचेंगे कि मैं किस घड़ी में यहाँ आया था। देखते हैं, मैं भी उत्सुक हूँ उड़ीसा का आओ भगत देखने के लिए। व्यर्थी भयभीत कर रहे थे तुम दोनों, ये देखकर तो ऐसा लगता है कि अब शीघ्र ही हमारे हृदय की मनोकामना पूर्ण होने वाली है। पर हमें तो प्रतीत होता है गुरुजी, ये कोई विपत्ति आने वाली है, क्योंकि आज मेरी दाइयां कुछ अधिक ही फड़क रही है। अरे भ्रम है तुम्हारा, अब जो भी विपदा आएगी पंडित रामाकृष्ण के ऊपर आएगी, ऐसी हमारी ब्रह्म दृष्टि कहती है। पुत्री, इतने कम श्रृंगार से काम नहीं चलेगा। अर्थात महाराज कृष्णदेवराय आपको देखें, आप पर मोहित हो जाएं और आपका हाथ मांग ले और हमें कुछ करना ही ना पड़े। परंतु आपने ये उपाय हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें व्यर्थ ही में अपना विशेष रंग चुन्ना देवी को सिखाना पड़ा। ये है आपकी छोटी बहन दीदी, हमें सूझा ही नहीं, अन्यथा अपने विशेष मसाले उस अखाद्य भोजन बनाने वाली त्रिमालंबा को बताने ही नहीं पड़ते। ये है आपकी सहेली, पक्की सहेली। महाराज महाराज, शिव पुराण का पाठ संपन्न हुआ, अब आरती का समय है। लीजिए, गजपति जी से आरंभ करवाइए सर्वप्रथम। लीजिए। नहीं नहीं, सर्वप्रथम कृष्णदेव राय जी से आरंभ करवाइए। लीजिए, पहले आप। लीजिए, पहले आप। लीजिए, पहले आप। पंडित रामकृष्ण रुद्राभिषेक के समय पहले मैं कर रहे थे, अब अनायास पहले आप। ये क्या गुत्थी है पंडित रामकृष्ण? देखिए, आप अपने बहुमूल्य सलाहकार पंडित रामकृष्ण को हमें भेंट स्वरूप दे रहे हैं, तो इस आरती का अधिकार प्रथम आप ही का है। लीजिए। ईश्वर की कृपा की आवश्यकता आपको अधिक होगी, क्योंकि आप पंडित रामकृष्ण को लेकर जो जा रहे हैं, पहले आप। अब प्राप्त हो गया आपको आपके प्रश्न का उत्तर, इसलिए पहले आप चल रहा था। पहले आप। लीजिए, पहले आप।
पहले आप ये क्या गजपति महाराज ये पहले आप क्या कर रहे हैं। शीघ्रता पूर्वक आरती संपन्न कीजिए, ले जाइए पंडित रामकृष्णा को, अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही हमसे। हाँ जी नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, आरती का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब जैसे आप दोनों ने मिलकर रुद्राभिषेक किया वैसे ही मिलकर आरती भी कर लीजिए। हाँ उचित है। वैसे तो हमारी अम्मा कहती है हम विश्व सुंदरी हैं, परंतु आज हम अधिक रूपवती लग रहे हैं ना, हमें शंका हो रही है। हाँ परंतु क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये दोनों तो महाराज की दृष्टि हम पे पड़ने ही नहीं दे रही है, हमें अपनी रणनीति बदलनी ही होगी। महारानी जी हटिए, आरती संपन्न हुई, लाइए 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 आइए। आरती संपन्न हुई, पंडित रामकृष्ण के जाने का समय हो गया। नहीं हमारे प्रिय पंडित रामकृष्ण को विदा करने का समय आ गया। रानी आनंद आ रहा है, अति आनंद। पंडित रामकृष्ण उड़ीसा जाएंगे और हम यहाँ पर आनंद उठाएंगे। ये कहना चाहती हैं कि इनके पति को सा सम्मान कंधों पर उठाकर विदा किया जाए, तो ऐसे ही करेंगे। आओ सेवको, आओ उठा लो कंधे पर उठा लो। हे भगवान अपनी भोली सी प्यारी सी शारदा को उठा लो। ये क्या हो गया शारदा, ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तो केवल उड़ीसा राज्य ही जा रहा हूँ ना। हम आपके जाने पर नहीं रो रहे, हम रो रहे हैं क्योंकि हमारे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है। हमें बताइए किसने किया आपके साथ छल कपट, हम देंगे उससे दंड। बताओ जब तक मैं महाराज का सेवक हूँ मेरे परिवार के साथ अन्याय नहीं हो सकता, बताओ किसने छल कपट किया तुम्हारे साथ। पंडित अनिमुनि हमने क्या किया। अम्मा इन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ, क्या किया है, ये दिया है। शारदा महोदया ये हार है छल नहीं है, यही तो समस्या है। क्या समस्या है अम्मा, या हार दोनों। इन्होंने हमें ये हार विवाह में दिया था भेंट के तौर पर। हाँ ये तो अच्छी बात है ना, स्वर्ण का हार दिया है सभी देते हैं। उठा लो, क्या ये हार उठा लो और सभी देख लो, ये दिखने में तो स्वर्ण का है परंतु है पीतल का। ये सब बातें यहाँ क्यों कर रही है ये। अच्छा तो ये समस्या है। नहीं समस्या तो ये है कि जो हमें हार नकली दे सकता है तो इतने वर्षों से जो लाड और प्यार दे रहे थे वो भी तो नकली होगा, अम्मा दोषी है। अनुचित है, तुम्हारा आरोप अनुचित है, अम्मा का प्यार भी असली है और ये हार भी। अरे अम्मा तुम्हारे कारण मुझे लाठियों से पीटती रहती है, तुम्हारा पक्ष ले लेकर मुझे बार बार घर से निकालती रहती है। अम्मा तुम्हें नकली हार कैसे दे सकती है, कदापि नहीं दे सकती। इधर आओ। अम्मा बता दो सबको सच क्या है, मेरे सर की सौगंध खाओ और बता दो कि हार असली है। चलो अर्थात हार नकली है। अम्मा और
नहीं तो क्या करती? विवाह के समय तू तो निकम्मा था। मुझे जो विवाह में मिला मैंने उसे दे दिया। सुना आप सबने, अम्मा को कोई पछतावा नहीं है। अम्मा, आपने जो हमारे साथ किया उसके लिए आपको पछतावा होना चाहिए। हाँ है पछतावा। अरे तेरी जैसी बहू लेकर आई हूँ जिसे कोई काम काज नहीं आता। अरे ये क्या बोल रही हो? ये रुके, ये सब क्या 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 हो रहा है सब? हैं ये घरेलू मुद्दा है, घर जाइए, घर जाकर सुलझाइए। अभी पंडित रामाकृष्ण की विदाई। घरेलू मुद्दा? एक भोली भाली महिला को छला जा रहा है और आपको ये घरेलू मुद्दा लग रहा है? नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि वो जैसी विक्षिप्त बुढ़िया है, हमें देखते ही डंडा चलने लगता है इसका। हम तो पंडित रामकृष्ण को लेकर चिंतित हो रहे थे, परंतु यहाँ पर तो कथा ने कुछ और ही मोड़ धारण किया है। प्रतीत होता है कि जाते जाते एक और तमाशा देखने को मिलेगा विजयनगर का। सुना आप सबने, हम पर आरोप लगा रही है अम्मा, सब कुछ आते हुए भी कह रही है हमें कुछ नहीं आता। क्या आता है? ठीक से हाथ पैर तो दबाना आता नहीं। एक तो अपनी बहू से हाथ पैर दबाती है और ऊपर से ताने भी दे रही है। देख रहे हैं ना महाराज, क्या हो रहा है आपके राज्य में? पंडित रामकृष्ण महाराज, क्या हो रहा है? अम्मा, तुम शारदा को समझने में त्रुटि कर रही हो। हाँ, 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में रखा और तू अपनी अम्मा का साथ छोड़ अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। देख कैसे सबके समक्ष मेरा अपमान कर रही है, कैसी बहू मिली है। बता, गलत कह रही हूँ क्या मैं? नहीं अम्मा, तुम गलत नहीं कह। पता था हमें, आप केवल दिखाते हैं कि हमारे साथ हैं, पर तुम पक्ष हमेशा अपनी अम्मा का ही लेते हैं। शारदा, मैं तो तू केवल अम्मा को संभाल रहा हूँ, पक्ष तो मैं सदैव तुम्हारा ही लेता हूँ ना। नहीं, मैं शारदा से ये कह रहा हूँ अम्मा कि जितनी सेवा वो तुम्हारी करती है उससे अधिक दुलार तुम उसे करती हो, है कि नहीं है? आप पुनः अम्मा का पक्ष ले रहे हैं, अब तय कीजिए आप किसके पक्ष में हैं? अरे मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। हम बोलेंगे ये घरेलू मुद्दा है, घर जाकर इसे सुलझाइए। और आज ये मुद्दा यही सुलझेगा। देखते हैं अधिक नकली कौन है। मेरा तो केवल हार ही नकली था, इसका तो पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही नकली है। नकली? अम्मा, हमारा आपके साथ घंटों बैठकर लोगों की चुगली सुनाना नकली था, या रामा के दूध में से मलाई चुराकर आपको खिलाना नकली था, या इतने दिन हमने जो आपकी सेवा की वो नकली है। शारदा देवी, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। हम तो कहते हैं क्या आवश्यकता थी नकली हार देने की, हम तो सब कुछ अपने साथ असली लेकर ही आए थे ना। सब कुछ असली? कांजीपुरम की जो साड़ी लाई थी वो तो कांजीपुरम की नहीं थी। जो गुंटूर के मसाले लेकर आई थी वो भी गुंटूर के नहीं थे। मेरा तो सब कुछ नकली है, मेरा तो केवल हार ही नकली था। जी जी जी, सब कुछ नकली। अरे हम तो अपनी बेटी को जहाँ भी आएंगे ना सब असली देंगे। गुंटूर का मसाला, गुजरात का अचार, कलिंग की मोती और विदेशों के हीरे और कांजीपुरम की साड़ी, सब कुछ असली। हाँ, महाराज को लोभ दे रही है। हर कोई लोभी नहीं होता है ना। वस्तुएं लाना महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं। पति के हर निर्णय में उनका साथ देना महत्वपूर्ण होता है और पति को सही सलाह देना भी महत्वपूर्ण होता है। हाँ, और स्वादिष्ट पकवान बना के खिलाना भी महत्वपूर्ण होता है। सुनिए, आप सभी मुद्दे से विमुख हो रहे हैं। अरे हम वही सिद्ध करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि अम्मा के साथ अनुचित हुआ है। तो ऐसी बहू मिली नकली सेवा करने वाली। शारदा के साथ अनुचित हुआ है, जो ऐसी अम्मा मिली
नकली हार देने वाली, मिथ्या आरोप लगाने वाली। अब तो हम मुद्दे पर आ गए ना गुरुवर। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि पंडित रामाकृष्ण को यहाँ से भेजना है। अर्थात पंडित रामाकृष्ण को उड़ीसा के लिए विदा करना है। मेरा दाव काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं?